guys and welcome back to my channel. मैं हूँ सुरभि, Indian girl in Europe. और आज मैं हूँ मिलान में, जो कि इटली का पार्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की रोम के बाद. ये सिटी बहुत खूबसूरत तो है ही है, बहुत बड़ी है ही है, पर इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मतलब बताने वाली हूँ कि यहाँ जो जिसे बोलते हैं फैशन हब, ग्लोबल फैशन सिटी है ये, और यहीं से बहुत सारे डिज़ाइनर्स और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ओरिजिनेटेड हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं और शॉपिंग को एज ए प्रेफर्ड लोकेशन बताते हैं. तो आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में ये बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से शॉपिंग जो हैं, मॉल्स हैं यहाँ पर, या स्ट्रीट शॉपिंग कैसी है, या नॉर्मल ब्रांड्स जो हम लोग पहनते हैं उसके कैसे ऑप्शंस हैं, और वाकई में क्या यहाँ पर फैशन जो है वो दूसरी जगह से ज़्यादा अच्छा है या बहुत अच्छा है. तो हम वो देखते हैं, कुछ प्राइजेस भी देखेंगे. तो चलो यार, एक्सप्लोर करते हैं ये वाला शॉपिंग फैशन ब्लॉग आप लोगों के साथ. लेट्स गो. उसका नाम है विक्टोरियो इमानवेले, और आपको पीछे बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर दिख ही रहा होगा. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल है और बहुत ही सुंदर मॉल है बिकॉज अंदर से बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है. चलो आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है यहाँ का आर्किटेक्चर. और बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं अंदर, डिज़ाइनर वेयर ब्रांड्स, लाइक कुछ नाम मैं बता देती हूँ. प्राडा मैंने देखा अंदर, अरमानी देखा, गुच्ची देखा, और भी चलो देखते हैं और क्या क्या है अंदर. तो हम इस मॉल के अंदर हैं अभी, और सिर्फ आपको एक एग्जांपल छोटा सा देने के लिए कि प्राइजेस कैसे हैं यहाँ पर. तो ये जो आपको जैकेट दिख रहा है, इसका प्राइस है 3000 यूरो, लगभग 2,80,000 के करीब जो है इसका प्राइस है ये जैकेट का. और इसका ब्रांड आपको दिख ही रहा है, लुई विटियन. सोच रहे हो कि यहाँ पर प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो प्राइस तो सेम ही है बर्शका का जितना होता है, लेकिन कलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो जर्मनी वर्सेस अगर मैं इस शॉप की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और यहाँ का कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है. इसीलिए तो इसे बोलते हैं जो फैशन ओरिजिन है, या फैशन ओरिजिन जो सिटी है वो मिलान है. सारी स्टोर्स में मैं बोल सकती हूँ चकाचक, जो एकदम लेटेस्ट फैशन है. ऑफकोर्स फैशन सिटी है ये और ग्लोबल फैशन हब है, तो जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंडी फैशन है वो ये सारी स्टोर्स में दिखेगा. और ये जो स्ट्रीट है, ये 1 किलोमीटर की स्ट्रीट है, तो आप सोचो यार यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड होंगे, या आप ये सोचो कौन से ब्रांड नहीं होंगे. फैशन वीक का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें बड़े बड़े डिज़ाइनर वेयर ब्रांड्स जो हैं उनका फैशन शो यहाँ पर होता है. ये उस वही जगह है, और ये जो सिटी है इसमें और भी बहुत कुछ है करने के लिए. और हाँ, जो फैशन शोज़ है उसी से मैं इस सिटी को जानती हूँ.
Milan fashion. Wow. और जब आप शॉपिंग करके थक जाओ, मैंने तो अपने फेवरेट ब्रांड से शॉपिंग करी, तो उस साइड है बहुत सारे रेस्टोरेंट, इसमें बैठ के आप अपनी ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो और इटालियन खाना एंजॉय कर सकते हो. और इस तरफ है बहुत ही अच्छा माहौल, तो वो एंजॉय कर सकते हो. तो हम जिस स्ट्रीट पे है उसका नाम है मोंटे नेपोलियोने. और इस स्ट्रीट की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं. और डिज़ाइनर ब्रांड्स मतलब आप जो भी सोच सकते हो, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, वो हैं इस स्ट्रीट पे. इसके आगे एक और स्ट्रीट है जहाँ पर इससे भी महंगे वाले जो लेदर ब्रांड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स हैं, वो है. और हाँ, एक और स्ट्रीट है जहाँ पर अभी हम जाएंगे, वहाँ पर है जो एक नॉर्मल लोग जैसे हम और आप जैसे लोग जो चीज़ें पहनते हैं या शॉपिंग करते हैं जिन ब्रांड से वो. और मैंने वुमेन्स वाला एक्चुअली गर्ल्स. तो वीडियो कैसा लगा आपको गाइस? बहुत ही कम 3, 2, 1 में बताइए वीडियो कैसा लगा. और आप लोग, ये जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है. आपको पीछे का माहौल दिख ही रहा है कितना सुनहरा, कितना अच्छा हो रहा है. तो यहाँ भी घूमने आ सकते हो और आसपास ही है सब कुछ मिलान में, तो आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. पर इस वीडियो का मकसद था कि हम आपको यहाँ की जो शॉपिंग स्ट्रीट है या जो फैशन हब बोलते हैं वो दिखाएं, और वो मैंने आपको बताया, सारी ही शॉप्स ऑलमोस्ट बताई. और हाँ, यहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग भी होती है, जैसे सरोजनी नगर में जो मार्केट्स होते हैं, तो वो भी आपको स्ट्रीट्स पे या सिटी में चलते फिरते दिख जाएंगे. वीडियो लाइक करना मत भूलना. बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.